Hello friends, welcome to Gates Measure. Let's see the numerical on SRTF, shortest remaining time first. Shortest remaining time first जो है, अगर आपको shortest job first और उसके साथ अगर आपको बोल दें कि preemptive से solve करना है, तो वो एक ही चीज है, shortest job first with preemption को ही हम बोलते हैं shortest remaining time first. तो shortest remaining time first में पहले तो criteria जो है वो है burst time. मोड है प्रीएम्प्टिव. इसका जो न्यूमेरिकल होता है थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर आप दो तीन क्वेश्चंस जो है वो ट्राई करते हैं तो आपको बिल्कुल इजी लगेगा. तो यहां पे मेरे पास चार प्रोसेसेस हैं, P1, P2, P3, P4. अराइवल टाइम दिया हुआ है, बर्स्ट टाइम दिया हुआ है. अब हम इसको स्टार्ट करते हैं एट टाइम जीरो. हमेशा टाइम जीरो से स्टार्ट करना है गैंट चार्ट के ऊपर. जीरो पे सबसे पहले चेक करना है कि कितने प्रोसेसेस अराइव हुए हैं. आपको क्राइटेरिया पे बाद में जाना है. क्राइटेरिया तो तब यूज करना है जब आपके पास कंपटीशन हो, मतलब ज्यादा प्रोसेसेस हैं और वो कंपीट कर रहे हैं, उस टाइम पे मुझे बर्स्ट टाइम यूज करना है. अगर मेरे पास अराइव ही सिर्फ एक हुआ तो देयर इज नो कंपटीशन, यू कैन एग्जीक्यूट दैट प्रोसेस. तो यहां पे सबसे पहले जीरो पे चेक किया, सिर्फ P1 आया हुआ है. तो अगर P1 अकेला जीरो पे है तो नो नीड टू चेक द बर्स्ट टाइम. ऑब्वियसली मेरे को P1 को ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. लेकिन कितनी देर तक, ये जो है यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी है. नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में हम P1 को पूरा एग्जीक्यूट करवाते, मतलब अगर उसका बर्स्ट टाइम है 5, हम उसको 5 तक चलाते. लेकिन शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट में पूरा नहीं चलाना, बिकॉज ये बार बार चेक करता है कि कोई शॉर्टेस्ट, मतलब और ज्यादा शॉर्टर प्रोसेस तो नहीं आ गया रेडी क्यू में. कैसे, हम इसको सिर्फ एक तक चलाएंगे. आप इसको ज्यादा तक भी चला सकते हो. लेट्स से कि अगर मैंने जीरो पे P1 आया और मैंने इसको 2 तक चला दिया. अगर मैंने इसको 2 तक चलाया तो यानी 5 में से 2 कम कर दिए, मतलब 3 तक इसको रुक गया. लेकिन हो सकता है कि एक जब 0 से 2 पे चले तो बीच में कहीं ना कहीं एक भी आया होगा. हो सकता है उस एक टाइम पे कोई छोटा प्रोसेस मतलब जिसका बर्स्ट टाइम कम है वो आ गया. तो वही हम सीन यहां पे चेक कर रहे हैं. 0 से 1 P1 आया, मैंने सिर्फ एक यूनिट तक चलाया इसको, तो यानी ये कितना बचा, 4, मतलब 4 अभी और चलना बाकी है. 1 पे मैंने दोबारा चेक किया कि कौन से प्रोसेस और आ गए, तो दोबारा देखो P1 तो ऑलरेडी है ही, P1 तो मेरा ऑलरेडी रेडी क्यू में है ही, बिकॉज वो तो एक चला है. लेकिन P2 भी रेडी क्यू में आ गया, बिकॉज P2 1 पे अराइव हो गया. अब यहां पे आपको चेक करना है बर्स्ट टाइम. P1 का बर्स्ट टाइम देखो 4 बचा हुआ है, लेकिन P2 का बर्स्ट टाइम है 3. तो यानी अब आपको P2 को सेलेक्ट करना है, P1 को प्रीएम्प्ट करना है, मतलब P1 को दोबारा रेडी क्यू में भेज दो और P2 को एग्जीक्यूट करो. ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम है, बिकॉज ये आफ्टर एवरी स्टेप ये चेक करता है कि कोई छोटा प्रोसेस तो नहीं आ गया रेडी क्यू में. लेकिन अगर आप इसको 0 से 2 तक कॉन्टिन्यूस चला देते तो यहीं पे क्वेश्चन आपका गलत हो जाता, बिकॉज 1 पे P2 जो है वो आ गया और वो P1 से छोटा है. किस टर्म में, बर्स्ट टाइम के टर्म में वो छोटा है. तो अब इस केस में 1 पे हम किसको चलाएंगे, P2 को. कितनी देर तक, सिर्फ एक टाइम क्वांटम तक, मतलब इसको 1 से 2 तक चलाया और इसको हमने 2 कर दिया, मतलब एक कम हो गया, बिकॉज एक बर्स्ट टाइम तक हमने चला दिया, तो बचा कितना, 2. अब 2 पे दोबारा फिर चेक करो कि कौन कौन अराइव हो गए. तो दोबारा देखा हमने, P1 तो ऑलरेडी अराइव ही है, वो तो ऑलरेडी रेडी क्यू में बैठा ही है. P2 भी ऑलरेडी आ चुका है, P3 भी आ गया, P3 भी अराइव हो गया और वो रेडी क्यू में आ गया. अब इन तीनों को कंपेयर करो. इन तीनों को जब कंपेयर किया तो तीनों में से बर्स्ट टाइम सबसे कम किसका है, P2 का ही है. तो यानी P2 ही दोबारा फिर चलेगा. आप इसको 2 स्टेप तक भी चला सकते थे कॉन्टिन्यूस, बट ऐसा मत करना. जब आपको बहुत, मतलब आपने काफी क्वेश्चंस जो है वो ट्राई कर लिए तो आपको अपने आप आपका जो प्रैक्टिस बन जाएगी, उस केस में आप इसको कर सकते हो. लेकिन फिलहाल इसको एक एक तक ही चलाओ, मतलब एक और चलाया हमने 2 to 3 1 टाइम के लिए चलाया, तो इसको और कम कर दो, ये टाइम बचा 1, मतलब एक टाइम क्वांटम रह गया इसका. अब 3 पे दोबारा फिर चेक करेंगे कि कौन कौन रेडी स्टेट में है. 3 पे अगर चेक किया, P1 तो ऑलरेडी रेडी स्टेट में है, क्योंकि उसका तो टाइम क्वांटम 4 बचा हुआ है और वो 0 पे आ चुका है.
P2 भी रेडी स्टेट में है ऑलरेडी, P3 भी रेडी स्टेट में है, लेकिन P4 तो 4 पे आएगा, तो यानी वही 3 दोबारा रेडी क्यू में है। तो इन तीनों में से दोबारा फिर चेक करो कि किसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है अपडेटेड, बिकॉज ये अपडेट हो रहा है ना, तो छोटे वाला दोबारा 3 से कंपेयर मत कर देना, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो इन तीनों को कंपेयर किया तो 414 में से बर्स्ट टाइम छोटा किसका है, P2 का ही है, तो P2 दोबारा फिर चलेगा और ये 4 पे कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज जैसे ही इसको 3 से 4 तक चलाया खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया P2, तो P2 कंप्लीट हो गया, तो इसको आप क्रॉस कर दो कि ये निकल चुका है यहां से। अब 4 पे दोबारा फिर चेक करेंगे कि कौन कौन से प्रोसेस आ गए। 4 पे चेक किया, P1 तो ऑलरेडी था ही, P2 तो चला गया, तो P2 तो टर्मिनेट होकर निकल गया, P3 भी ऑलरेडी था ही, P4 भी अराइव हो गया, 4 टाइम पे P4 भी आ चुका है रेडी क्यू में। अब आप दोबारा से कंपेयर करो कि इनमें से किसका जो बर्स्ट टाइम है वो सबसे कम है, तो 4, 4, 1 में से बर्स्ट टाइम किसका सबसे कम है, ऑब्वियसली P4 का, तो हम किसको चलाएंगे, P4 को, कितनी देर के लिए, एक टाइम के लिए, पर इसका तो ऑलरेडी एक टाइम ही है, मतलब इसका बर्स्ट टाइम तो ऑलरेडी एक ही है, तो ऑब्वियसली ये एक बार में कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट हो गया और ये निकल गया। उसके बाद 5 पे, अब हम 5 पे खड़े हैं, तो 5 पे देखो कि कौन सा प्रोसेस बचा हुआ है, P1 बचा हुआ है, P3 बचा हुआ है, तो P1 और P3 दोनों बचे हुए हैं, इन दोनों में से जिसका भी बर्स्ट टाइम कम है उसको हम चलाएंगे। P1 और P3 दोनों का बर्स्ट टाइम है 4। अब इस केस में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि किसको सिलेक्ट करना है, बिकॉज दोनों का बर्स्ट टाइम तो सेम है। तो मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था, जब भी बर्स्ट टाइम में आपको कंफ्यूजन आए आप अराइवल टाइम पे चले जाओ, अराइवल टाइम चेक करो कि किसी किसका कम है, तो इन दोनों में से P1 का अराइवल टाइम कम है बिकॉज वो पहले आया था, तो हम उसको प्रायोरिटी देंगे, यहां पे P1 को चलाएंगे। अब P1 को आप पूरा भी चला सकते हो, लेकिन फिलहाल एक टाइम क्वांटम तक चलाओ, मतलब एक यूनिट तक चलाया, तो ये कितना बचा, 3 बचा। अब 6 पे देखा कौन से अराइव है, अब कोई नए प्रोसेस तो है नहीं, सिर्फ 2 ही बचे हुए हैं, P3 बचा हुआ है और P1 बचा हुआ है, और P1 का टाइम कितना है, 3 और इसका 4, तो ऑब्वियसली P1 ही छोटा है, तो P1 को ही दोबारा फिर चलाया, कितनी देर तक, 7 तक, एक और चलाया 2 रह गया, अभी भी P1 ही छोटा है, तो P1 को दोबारा फिर चलाया हमने 8 तक, तो P1 कंप्लीट हो जाएगा, सॉरी एक अभी बचा हुआ है, तो P1 को ही दोबारा फिर चलाया 9 तक। यहां पे आप P1 को एक बार में भी चला सकते हैं पूरा 4 तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं पूरा आपको मेथड बता रहा हूं, और ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी गेट 2004 में आया हुआ है, इसमें इवन मैंने और थोड़ा सा चेंज कर दिया ताकि आपको सारे वेरिएशंस जो है वो मैं कवर करवा सकूं। तो ये जो है एक तरह से शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का सबसे टफेस्ट न्यूमेरिकल मैंने सिलेक्ट किया है, ताकि आप जो है अगर टफेस्ट सॉल्व कर लो तो ईजी तो आप डेफिनेटली कर ही लोगे। उसके बाद 9 पे P1 निकल गया, P1 कंप्लीट हो गया, P3 बचा हुआ है, तो सिर्फ P3 तो बचा है, तो P3 को एक एक करके चलाने की जरूरत नहीं है, P3 को आप पूरा एग्जीक्यूट कर दो, तो P3 को करवाना चाहते हो आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई और कंपटीशन में है ही नहीं, तो आप P3 को पूरा एक बार में एग्जीक्यूट कर दो, मतलब 13 पे P3 कंप्लीट हो जाएगा। तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस। अब सबसे पहले लिखो कंप्लीशन टाइम, P1 कंप्लीट देखो कब हुआ। अब यहां पर ध्यान रखना, नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट प्रीएम्प्टिव के केस में प्रॉब्लम क्या होती है कि कई बार बच्चे जो है वो गलत लिख देते हैं कि कंप्लीशन टाइम, लेकिन P1 लास्ट P1 कहां पे आया उसके राइट हैंड साइड पे चेक करना है, तो P1 यहां पे 9 पे कंप्लीट हुआ है, ये कोई और वैल्यू मत ले लेना अदरवाइज गलत है, P1 लास्ट में कहां आया, ये रहा, और इसके राइट हैंड साइड में सबस्क्रिप्ट में क्या है, 9, तो P1 कंप्लीट हुआ 9 पे। P2 कहां कहां आया, यहां भी आया, यहां भी, यहां भी, तो ये लास्ट वाला है, मतलब टाइम के अकॉर्डिंग ये लास्ट है, तो इसके राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, 4, तो 4 पे कंप्लीट। P3 तो यहीं पे आया सीधा, 13 पे कंप्लीट। P4 आया, यहां पे आया और 5 पे कंप्लीट। ये टर्न अराउंड टाइम पे लिख दिया मैंने, ये एक्चुअली कंप्लीशन टाइम है। 9, 4, 13, 5. So this is the
कंप्लीशन टाइम नॉट द टर्न अराउंड टाइम. टर्न अराउंड टाइम तो सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम. सो 9 माइनस 0 दैट इज 9, 4 माइनस 1 3, 13 माइनस 2 11, 5 माइनस 4 1. सो दिस इज द टर्न अराउंड टाइम. वेटिंग टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं. वेटिंग टाइम का मतलब क्या है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम. तो बस टाइम जो है वो थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्रॉस किया हुआ है. जो ओरिजिनल बस टाइम था, जो पहले दिया हुआ था ओरिजिनल, उसी में से माइनस करना है. तो 9 माइनस 5 दैट इज 4, 3 माइनस 3 दैट इज 0, 11 माइनस 4 दैट इज 7 एंड 1 माइनस 1 दैट इज 0. सो दिस इज हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वेटिंग टाइम. एंड लास्ट इज द रिस्पॉन्स टाइम. हाँ, इस केस में रिस्पॉन्स टाइम इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्रीएम्प्टिव के केस में जो है रिस्पॉन्स टाइम आएगा, लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव के केस में वेटिंग टाइम ही सेम होता है रिस्पॉन्स टाइम के, तो इसीलिए निकालना नहीं है. लेकिन यहां पे मैंने रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला लिखा हुआ है कि सीपीयू फर्स्ट टाइम कब मिला और अराइवल टाइम कब था, माइनस कर दो. कैसे? पी वन देखो, पी वन सबसे पहले कहां लिखा हुआ है? गैंट चार्ट में, यहां. तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करो कि पी वन को सीपीयू कब मिला, जीरो पे, और वो कब आया था, जीरो पे. तो जीरो माइनस जीरो दैट इज जीरो. पी टू को देखो, पी टू कहां पे है, सबसे पहले देखना है. पी टू यहां पे, यहां, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में कब है, वन. मतलब पी टू को पहली बार सीपीयू कब मिला, वन पे, और ये आया कब था, वन पे. तो वन माइनस वन दैट इज जीरो. तो इस केस में तो कोई ज्यादा आया नहीं, लेकिन हाँ, पी थ्री के केस में डेफिनेटली आएगा. पी थ्री देखो, पी थ्री कहां है, सबसे पहली बार यही है. तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ, 9. तो यानी P3 को पहली बार CPU कब मिला, 9 पे. लेकिन ये आया कब था P3, 2 पे. 2 पे आया था. तो 9 माइनस 2 दैट इज 7. तो ये वाली वैल्यू जो है वो यहां पे आ जाएगी. P4 कब आया, 4 पे. लेकिन P4 को पहली बार CPU कब मिला, 4 पे. तो 4 माइनस 4 दैट इज 0. तो ये देखो, ये वेटिंग टाइम से जो है वो अलग आ रहा है, बिकॉज प्रीएम्प्टिव के केस में ये अलग ही आएगा. तो एवरेज निकालनी है तो फटाफट एवरेज निकाल लो, मतलब टोटल कर लो पहले टीएटी का. इट विल बी 11 प्लस 9 20 23 24. टोटल किया और डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितने हैं, 4, तो 6 आ गया. एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लो, एवरेज वेटिंग टाइम इनका टोटल कर लो, 7 प्लस 4 11 बाय 4 2.75. एंड एवरेज रिस्पॉन्स टाइम भी अगर आपसे पूछा हुआ है तो सिंपल टोटल कर लो, 7 ही है, 7 डिवाइड बाय 4, सो इट कम्स आउट टू बी 1.75. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट ऑल द क्वेश्चन. मतलब ये सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, आपसे इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जा सकता. ज्यादा से ज्यादा आपसे एवरेज टीएटी अकेला पूछ सकते हैं. हमने तो एवरेज टीएटी, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम, और कब सारे प्रोसेसेस कंप्लीट हुए, अगर आपसे ये भी पूछ लें कि द टाइम एट विच ऑल द प्रोसेसेस कंप्लीटेड, वो आप सिंपल लिख सकते हो 13, बिकॉज 13 पे सारे चारों के चारों प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं. मतलब जो भी क्वेश्चन आएगा अब इन्हीं में से ही कोई ना कोई पूछ सकते हैं, इससे बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. दिस इज ऑल अबाउट SRTF. थैंक यू.